कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आमतौर पर पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं वहीं इसी के साथ ही हमारे देश में सैरोलॉजी टेस्ट भी अब के अब करना शुरू हो गया है जिसके तहत अगर किसी लोगों में पहले से ही कोरोना के लक्षण हैं तो इसकी जानकारी मिलती है इसके साथ ही अगर किसी को कोरोना होकर भी जा चुका है तो इसकी जानकारी भी इस टेस्ट से मिल सकती है अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं जी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर आशा शाह मैम से जी मैम सैरोलॉजी टेस्ट क्या है और किस क्या इसका प्रोसीजर है वो बताइए सैरोलॉजी टेस्ट आई I मीन्स mean, सीरोलॉजी एक्चुअली बोलना चाहिए सीरोलॉजी टेस्ट का दूसरा नाम है एंटीबॉडी टेस्ट तो अपने एस यू अभी बोला कि डायग्नोसिस के लिए अपने पीसीआर सी बेस्ड टेस्ट करते हैं पर सीरोलॉजी टेस्ट ये है कि उसमें पहला पास्ट इन्फेक्शन हो गया है वो पता चलता है इसको एंटीबॉडी टेस्ट भी बोलते हैं इन्फेक्शन के बाद बॉडी में आ, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है और उसके रोग प्रतिकारक शक्ति के प्रोटीन्स बनाती है जो पहले आई प्रकार के और बाद में आई प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं तो अगर ये टेस्ट करें अपने तो मेन उसका इम्पोर्टेंस ये है कि सर्वेलेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर हंड्रेड पेशेंट्स कहीं ऐसे एरिया में से ज़्यादा इन्फेक्शन था और वहाँ से आप ये अगर टेस्ट करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि, कि कितने परसेंटेज पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं कहीं कई बार हम देखते हैं कि सिम्टम्स होते नहीं हैं पेशेंट को तो पता नहीं चलता कि उनको इन्फेक्शन लगा था कि नहीं वो हॉस्पिटल भी नहीं गए होते हैं बट सीरोलॉजिक टेस्ट में अगर पॉजिटिव आए तो अपने पता चलता है कि इसको इन्फेक्शन सब क्लिनिकल हो गया है और इसके शरीर में एंटीबॉडी है तो ये बहुत फ़ायदा फ़ायदाकारक है एक ही है कि ये सीरोलॉजिक टेस्ट एक्यूरेट और वैलिडिटी वाला होना चाहिए इसमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी आता है और एलिजा बेस्ड टेस्ट पर भी होता है एलिजाबेस टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है मैम सर्विलेंस के हिसाब से जो कोरोना के सर्विलेंस के लिए टेस्ट किया जा रहा है तो इन आने वाले दिनों में किस तरीके से ये हेल्पफुल रह सकता है ये अपने पैंडमिक जिस तरह से बढ़ रहा है इस तरह से ऐसे टेस्ट करने से फ़ायदा ये है कि कौन से एरिया में कितने प्रपोर्शन में केसेस हुए हैं वो अपने जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि अगर एक एरिया में बहुत सारे लोगों को एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो अपने ये भी आगे चल के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शायद इस एरिया में या इस सिटी में हर्ड इम्यूनिटी की कोई शक्यता है कि नहीं जैसे अपने पॉपुलेशन में सेवेंटी के एटी परसेंट लोग अगर पॉजिटिव आते हैं तो बोल सकते हैं कि भी ट्रांसमिशन अब कम होने वाला है और हब हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है दूसरा ये एकदम अगत्य ये भी है कि अगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आया तो अपने आप अभी जानते हो कि कोरोना की एक आध ट्रीटमेंट के ऑप्शन में कॉन्वलजेंट सीरा या तो जिस व्यक्ति का इन्फेक्शन हो चुका है और जो रिकवर हो चुके हैं उनके शरीर में से प्लाज्मा पेशेंट्स को देते हैं तो ये अगर उनके पहले अपने एंटीबॉडी टेस्ट करें तो और पॉजिटिव आए तो अपने को पता चलता है कि भाई इसके शरीर में एंटीबॉडी का प्रमाण बराबर है और वो दूसरे पेशेंट जो मरीज है उसको देने में फ़ायदा हो सकता है कोरोना की इस महामारी के चलते ये सीरोलॉजी टेस्ट आगे जाकर कहीं हमें अलग तरीके की जानकारी देगा और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है जयसुख सियानी के साथ सुमन मोराना डीडी डी न्यूज़ अहमदाबाद